सर आपका सीमांचल न्यूज में स्वागत है। धन्यवाद। और सर आप जलालगढ़ में सीडब्ल्यू का पद पे यानी ज्वाइन किए, ज्वाइन करते ही सर आप डीएसपी यानी बन चुके हैं। इसके लिए आपको सीमांचल न्यूज के पूरे टीम की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। सीमांचल न्यूज को भी मेरे तरफ से धन्यवाद। और सर यहाँ पे सर आप ज्वाइनिंग कब किए थे सर? यहाँ पर हम 4 जनवरी को प्रभार लिए हैं। 4 जनवरी 2024 में। 24 में जी। और सर आपका यहाँ कितना दिन हुआ होगा? 8 दिन तो अभी 8-10 दिन तो हुआ ही है। 4 तारीख को प्रभार लिए थे 4 जनवरी को, और 9 जनवरी को मेरा इंटरव्यू था, और 15 जनवरी कल रिजल्ट आया। और आपका रिजल्ट भी हो गया जी। डीएसपी पद मिला है 68वीं बीपीएससी में। 68वीं है ना सर। तो सर आप तो इतना अच्छा कर रहे हैं कि उम्मीद और क्या लग रहा है कि वो जब 8 दिन के अंदर सर जलालगढ़ आते आते कहीं जहां पे आपका फिर प्रमोशन होके जाएगा, अभी डीएसपी बने, कहीं वहां से भी नहीं कुछ और आगे? अभी यूपीएससी भी देना है, तो यूपीएससी की तैयारी हम लोग तो कर ही रहे हैं, और जलालगढ़ का धरती हमको शुभ हो गया मेरे लिए। और इससे पहले मैं 26 जुलाई को सीडीपीओ पद पर चयनित हुआ था, और 67वीं बीपीएससी में 28 अक्टूबर को चल रहा था, उसमें म्यूनिसिपल एजुकेटिव एमयू पद मिला था, और फिर 68वीं में फिर डीएसपी पद मिला है हमको। सर जलालगढ़ में ये पहला आपका ज्वाइनिंग था क्या था? जी जी बिल्कुल, ये पहला ज्वाइनिंग, पहला ही ज्वाइनिंग था। हाँ सीडीपीओ जस्ट यानी 8 दिन के अंदर अंदर आपका दूसरा। हाँ जलालगढ़ का हमको शुभ हो गया, जलालगढ़ का जल धरती है ये हमारे लिए शुभ हो गया, और इतना जल्दी तुरंत जल मिला डीएसपी पद पर, ये बहुत बड़ी बात है। जी जी। तो सर जैसे कि अभी के युवा सब जो है सर बहुत सारा यानी तैयारी करते हैं, तो वो लोग यानी कहीं ना कहीं बहुत ही रहते हैं, तो उसको आप लोग क्या संदेश देना चाह रहे सर? युवाओं को हम यही कहेंगे कि अगर आपको पढ़ना है तो खूब पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, ईमानदारी से, और पढ़ाई के साथ साथ डिसिप्लिन भी लाइफ में जरूरी है। डिसिप्लिन के बिना मेरे हिसाब से सक्सेस संभव नहीं है, क्योंकि मैं सैनिक स्कूल में पढ़ा हूँ, तो मेरे लिए डिसिप्लिन बहुत मायने रखता है। आप अगर डिसिप्लिन लाइन से पढ़ाई लिखाई कीजिएगा सब चीज, तो डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगा, आज नहीं तो कल। सर आप जो तैयारी किए थे यानी कौन सा स्कूल से पहले मैट्रिक किए थे, इंटर किए थे? जी मेरा स्कूलिंग सैनिक स्कूल ग्वालपर आसाम से हुआ है, उसके बाद मैं जी और उसके बाद मैंने बीटेक मैकेनिकल किया है सरदार बयान सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी पंजाब से, उसके बाद फिर मैंने दिल्ली में यूपीएससी तैयारी कर रहा था वहां से। यानी आप सर यहाँ से तैयारी नहीं की, आप दिल्ली में रह के यूपीएससी की तैयारी की है ना? हाँ मतलब सीडीपीओ रिजल्ट से पहले मैं दिल्ली में ही था, 26 जुलाई 2023 से पहले मैं दिल्ली में ही था, पढ़ाई कर रहा था, यूपीएससी तैयारी कर रहा था। जैसे सर की आप तैयारी किए हुए हैं, तो यानी बहुत सारा स्टूडेंट का आर्थिक स्थिति सही नहीं रहने के कारण वो सर दिल्ली या और जगह नहीं जा सकते हैं, तो वो अगर कुछ ऐसा बनना चाहते हैं वो किस तरह बनना चाहते हैं? यही चीज मुझे जब मैं यहाँ बिहार में आया, बाहर से जब पढ़ाई लिखाई कर रहा था, तो मुझे बहुत लोगों से इंटरेक्ट करने के बाद मुझे पता चला कि बहुत लोगों के अपने क्षेत्र, खास करके अपने क्षेत्र में बहुत लोगों के पास प्रतिभा तो बहुत है, लेकिन उनको गाइडेंस नहीं मिल रहा है। तो हम 1 सप्ताह पहले ही प्लान किए थे, और कि इसके रिजल्ट के बाद मेरा ये सोच है कि यूट्यूब चैनल लेके आए हम अपना, और पूरा बिहार का बच्चों को फ्री एजुकेशन करवाएंगे आने वाला दिन में, बहुत जल्द करने जा रहे हैं, ताकि अपने क्षेत्र के लोगों को अच्छे से शिक्षा मिले। क्योंकि मेरा ये बीपीएससी में हैट्रिक रिजल्ट है, लगातार 3 बार रिजल्ट है, तो इतना तो कह सकता हूँ कि बीपीएससी तैयारी करवा सकता हूँ लोगों को। जी जी बिल्कुल सर। यानी सर आप लोग अपने स्तर से भी अगर कोशिश करेंगे तो और यानी बिहार के बच्चे सब और आगे जाएंगे। बिल्कुल, जैसे कि आप बोल रहे हैं सर हम अपना एक यूट्यूब चैनल खोलेंगे, तो इससे आपसे बहुत सारे लोग जुड़ेंगे, और आप एक्सपीरियंस हैं, तो आप तो और खास करके अपने क्षेत्र के लोगों को, अभी हम लोग का क्षेत्र अभी बहुत पिछड़ा है इस मैटर में, यहाँ तक रिजल्ट तो दूर की बात है, अपने लोग के इधर के बच्चे अभी उतना बड़ा सपना देखने से भी डरते हैं कि नहीं होगा तो क्या होगा। एक तो आत्मविश्वास की कमी भी है, और उनको एक सपोर्ट चाहिए, कोई बताने वाला, एक गुरु की तो जरूरत है ही, कैसे तैयारी करना है, कहाँ मिस कर गए हैं, ये बताने के लिए हम लोग हैं उनके लिए। जैसे सर यानी आप इतना बता दीजिए सर, जैसे बहुत सारा स्टूडेंट सब जो है वो यानी तैयारी करता है, तो यानी उसको कौन कौन सब्जेक्ट पे मेन फोकस करना चाहिए, कैसे कैसे जैसे कि कोई सर राह दिखाने वाला, तो कैसे यानी आप जहां तक पहुंचे हैं, तो अगर उस जगह तक अगर कोई स्टूडेंट पहुंचना चाहे तो पहले वो कैसे क्या करे? जैसे आप बोले यूपीएससी की बीपीएससी यानी कैसे वो तैयारी करें? बीपीएससी के लिए जैसे तीन एग्जाम होता है, बीपीएससी के लिए होता है पीटी, मेंस, इंटरव्यू। तो पीटी में आपको क्या है कि ओवरऑल होलिस्टिक नॉलेज चाहिए, ठीक है, तो आपको सारा चीज डेप्थ एनसीईआरटी पढ़िए, एनसीईआरटी डेप्थ में पढ़ना है, और बाकी जो सिलेबस जो है बेसिक उसको कवर करें, और प्रीवियस जो क्वेश्चन है उसको डेफिनेटली देखें, और मेंस में भी जब आपको खूब राइटिंग प्रैक्टिस करना है, क्योंकि मेंस में जब तक आप लिखिएगा नहीं तो रिजल्ट नहीं होगा। और तीसरा आता है इंटरव्यू। इंटरव्यू में आपका नॉलेज टेस्ट नहीं किया जाता है, वहाँ है पर्सनालिटी, और पर्सनालिटी आपका तब बनेगा जब आप माइंड मेकअप बन जाए कि हमको अधिकारी बनना है। तो पहले से आपको एक कहावत है कि रणभूमि में खेलने से पहले मनोभूमि में खेला जाता है,
तो मैं उसी पे विश्वास करता हूँ। सर आप जो जिस पोस्ट पे गए हैं सबसे यानी इसमें बेहतरीन यानी आपको सहयोग सर किनका मिला होगा सर? सबसे खास करके तो हम लोग का जो मम्मी पापा है और दादी का भी, जब अभी तो नहीं रही है लेकिन पहले हाँ, तो मम्मी पापा का सहयोग रहा है, भाई का हमारे साथ साथ रहा है और दीदी जियाजी जो है, जियाजी खास करके, और दोनों मामा जो है काफी कोऑपरेटिव रहे हैं, रिश्तेदार मेरे लिए काफी कोऑपरेटिव रहे हैं, इतना मुझे नहीं लगता कोई बच्चा को सपोर्ट मिलता होगा। मेरे लिए काफी लोग प्रोटेक्टिव रहे हैं कि किसी भी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए चाहे किसी भी टर्म में, तो ये चीज को उसके लिए हम धन्यवाद देना चाहेंगे, खास करके रिश्तेदार मम्मी पापा ये सब डेफिनेटली। सर आप कौन सा डिस्ट्रिक्ट से हैं? मैं अरड़िया का हूँ, अरड़िया जिला का। हाँ सर, अरड़िया जिला में प्लासी प्रखंड पड़ता है, प्लासी प्रखंड के अंतर्गत सुहंदर पंचायत हो गया और गोसाईपुर गाँव हो गया। अच्छा सर, 1 to 5 क्लास आप कहाँ से पढ़े थे? 1 to 5 मैंने पूर्णिया से पढ़ा था, प्राइवेट हॉस्टल था उसमें, संत बोध एकेडमी, अब वो स्कूल नहीं रहा लेकिन प्रिंसिपल सर अभी जेई बन गए हैं चंद्रशेखर आजाद सर, और भांजा की तरह हमको मानते हैं, हमेशा बातचीत होती है, तो उनका भी बहुत प्रयास रहा है कि मुझे सैनिक स्कूल भेजने में, तो उनको और सर यानी कोई सर आपका फेवरेट हो सर, जैसे कि जिसका बहुत सहयोग मिला होगा? सब 1 से 5 वही डिसाइड किया है डेस्टिनी को, अगर हम सैनिक स्कूल नहीं जाते तो हो सकता था ऐसा सोच नहीं डेवलप हो जाता, तो टीचर में गुरु में चंद्रशेखर सर तो थे ही और कॉलेज लाइफ में भी थे, खास करके स्कूल लाइफ में, सैनिक स्कूल में तो सारे टीचर फेवरेट थे। यानी सैनिक स्कूल में जाने के लिए भी सर क्या एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ता है? हाँ उस समय अभी भी होता है, इंडिया लेवल का होता है जी। आपको सैनिक स्कूल क्वालिफाई करना होता है, वहाँ आसाम में हम लोग पढ़े हैं, स्कूलिंग वहीं से हो गया, इसलिए DSP ज्यादा प्रिफर किए हैं। तो सर अभी ये आप कुछ ये नहीं है कि आपका कहाँ पोस्टिंग होगा क्या नहीं, ये अभी तो कोई क्लियर नहीं है, वो तो बिहार सरकार जो जहाँ दे देगी पोस्टिंग वही तो करना होगा सेवा बिहार के लोगों का। अभी यानी कुछ दिन और रहेंगे ना, कुछ दिन का और मेहमान है। हाँ, 2-3 महीना शायद रहना पड़े CDPO। हाँ। तो लग रहा है क्या कि आप बहुत जल्द यानी जलालगढ़ को भूल जाएंगे? हमको लग रहा है लाइफ में कभी नहीं भूलेंगे। नहीं नहीं, जलालगढ़ हम लोकल ही हैं अरड़िया के, तो जलालगढ़ में रिलेशन सब भी हैं, तो यहाँ आना जाना पहले से भी लगा रहता है, तो यहाँ फैमिली नई जगह से हम है ना, तो हाँ लोकल कि यानी कि आपका सर यहाँ पोस्टिंग होते ही आपका अदर में रिजल्ट हो गया है, ये हो गया तो आप तो भूलेंगे नहीं हमको लग रहा जलालगढ़ को। नहीं नहीं डेफिनेटली, क्योंकि कोई भी चीज पहला कोई भी चीज होता है तो कोई नहीं भूलता है, ये मेरा पहला पोस्टिंग है जलालगढ़ में और सब यहाँ पर अपने हैं, ऑफिस स्टाफ और LS सब लोकल है, तो सबको हम लोग पहले से जान रहे हैं, तो एक फैमिली की तरह है यहाँ पर हम लोग, तो कोई दिक्कत नहीं होता, सारे लोग कोऑपरेटिव है, चाहे BDO मैम CEO सर सारे लोग यहाँ कोऑपरेटिव है यहाँ पर। चलिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, आप लोगों को भी धन्यवाद, खासी मांचल को भी बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ आने के लिए। चलिए और लोग भी बहुत बढ़िया अच्छा से कीजिए। थैंक यू सर।